तो दोस्तों ये है बोल्ट ऑडियो एयरबस X50 ईयरबड्स और ये है बोल्ट ऑडियो एयरबस Z35 ईयरबड्स। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ईयरबड्स का फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, साउंड क्वालिटी के ऊपर, फीचर्स के ऊपर एंड आप सबको इन दोनों ईयरबड्स में से कौन सा वाला ईयरबड को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बोल्ट ऑडियो एयरबस Z35 ईयरबड्स का ओवरव्यू करते हैं। तो गाइस ये है इसका चार्जिंग केस का फ्रंट साइड का लुक और डिज़ाइन। तो यहाँ ऊपर में आप सबको बोल्ट का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं, नीचे की साइड में आप सबको यहाँ पे एलईडी लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं एंड सेंटर में एक लाइनिंग वाली जो लाइन है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड ये है इसका बैक साइड का लुक, तो बैक से आप सबको एकदम प्लेन देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो चार्जिंग केस है ये ओवरऑल मैट फिनिशिंग में आता है और यहाँ नीचे की साइड में आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जहाँ से हमें इस चार्जिंग केस को चार्ज करना होता है। एंड ये है इसका साइड का ओवरव्यू, तो साइड से आपको थोड़ा सा स्लिम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से इस चार्जिंग केस को ओपन करने के बाद इसका जो इंटरनल लुक है वो कुछ इस टाइप से आप सबको देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप सबको काफ़ी बेटर मिल जाता है। और ये है बोल्ट ऑडियो एयरबस Z35 ईयरबड्स का लुक और डिज़ाइन। तो ये भी आप सबको फुली मैट फिनिशिंग में आता है। फ्रंट में आप सबको बोल्ट का जो लोगो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं, एलईडी लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो ईयरबड है इन ईयरबड्स तो यहाँ पे आप सबको सिलिकन के ईयर टिप्स में भी मिल जाते हैं जिसे आप ईयर साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। एंड अगर हम इसका कम्फर्टेबल की बात करें तो गाइज़ इसकी भी जो फिटिंग एंड कम्फर्टेबल है काफ़ी अच्छा, आपके कानों से जल्दी गिरते नहीं है। एंड इस ईयरबड में आप सबको टच कंट्रोल मिल जाते हैं। और अब हम बोल्ट ऑडियो एयरबस X50 ईयरबड्स के चार्जिंग केस के ओवरव्यू कर लेते हैं। तो गाइज ये है इस चार्जिंग केस का ओवरव्यू और यहाँ ऊपर की साइड में आप सबको बोल्ट ऑडियो का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं। सामने की साइड में आप सबको यहाँ पे एलईडी लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं, नीचे की ओर आप सबको एकदम प्लेन सर्फेस देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पीछे की साइड में आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ से इस चार्जिंग केस को ओपन कर सकते हो, ओपन करने के बाद इसका जो इंटरनल लुक है वो कुछ इस टाइप से आप सबको देखने को मिल जाते हैं। तो ये ब्लैक एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में आता है तो यहाँ पे लुक और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम बात करें इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो गाइस यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप सबको एवरेज ही मिलता है। और ये है बोल्ट ऑडियो एयरबस X50 ईयरबड्स और यहाँ फ्रंट में आप सबको बोल्ट ऑडियो का जो लोगो ब्रांडिंग है वो आप सबको देखने को मिल जाते हैं, माइक्रोफोन का होल देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो ईयरबड है ये भी फुली मैट फिनिशिंग में आता है एंड ये टू कलर में आता है, ब्लैक एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में। और ये भी ईयरबड जो है वो इन ईयरबड्स आते हैं तो इसमें भी आपको सिलिकन के ईयर ट्यूब्स मिल जाते हैं जिसे आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पीछे के साइड में आप सबको एलईडी लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम की भी कंफर्टेबल की बात करें तो यहाँ पे फिटिंग इसका भी काफ़ी अच्छा है, आपके कानों से जल्दी गिरते नहीं है और इस ईयरबड में भी आप सबको टच कंट्रोल के फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइज अब हम बोल्ट ऑडियो एयरबस X50 ईयरबड्स और बोल्ट ऑडियो एयरबस Z35 ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन फीचर्स में क्या डिफरेंस है वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बोल्ट ऑडियो एयरबस Z35 ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आप सबको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि लेटेस्ट वर्जन है। एंड इसमें आप सबको गेमिंग के लिए 45 ms की लो लेटेंसी मिल जाते हैं, कॉलिंग के लिए आप सबको ANC माइक मिल जाता है जो कि ड्यूल माइक है और इसमें आप सबको वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, IPX5 का स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन मिल जाते हैं और बैटरी प्लेटिंग की बात करें तो टोटल 32 आवर्स का बैटरी प्लेटें मिल जाते हैं। और अब हम बोल्ट ऑडियो एयरबस X50 ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन फीचर्स की बात करें तो गाइस इसमें आप सबको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि एक लोअर वर्जन हो चुका है और इसमें आप सबको गेमिंग के लिए 45 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिल जाते हैं और वहीं पर आप सबको कॉलिंग के लिए क्वाड माइक ENC टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं, IPX5 का स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं एंड इसमें आप सबको इक्वलाइजर मोड भी मिल जाते हैं जैसे आप, और इसमें आप सबको टोटल 40 hours का प्ले टाइम मिल जाता है। तो गाइज अब हम बोल्ट ऑडियो एयरबस Z35 ईयरबड्स और बोल्ट ऑडियो एयरबस X50 ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पर्सनली मैंने दोनों ईयरबड्स को काफ़ी टाइम से यूज़ किया है एंड साउंड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो बोल्ट ऑडियो एयरबस Z35 ईयरबड्स का जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बेस और ट्रेवल इसमें काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया गया है। वहीं पर अगर हम
बोल्ट ऑडियो एक्स 50 ईयरबड्स की बात करें तो इसमें लाउडनेस थोड़ा कम है, लेकिन इसकी बेस जो है वो काफ़ी अच्छा, आप सबको डीप बस मिल जाता है। अगर आप सबको एक लाउडनेस साउंड चाहिए तो आप सब Z35 ईयरबड्स को बाई करो, और अगर आप सबको डीप बस चाहिए तो आप सब X50 ईयरबड्स को बाई कर सकते हो। और कॉलिंग में आप सबको देखा जाए तो कुछ खास इंटरफेस आप सबको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन X50 ईयरबड्स की जो कॉलिंग क्वालिटी वो थोड़ा सा बेटर मिल जाती है। तो दोस्तों आप सबको बोल्ट ऑडियो ईयरबड्स X50 ईयरबड्स और बोल्ट ऑडियो ईयरबड्स Z35 ईयरबड्स में से कौन सा वाला ईयरबड ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप सबको इन दोनों ईयरबड्स से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।